ओम शांति। हम पूर्वज हैं, दाता के बच्चे दाता हैं। याद करें, हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। भक्त हमारे मंदिरों में आकर हमसे बहुत कुछ मांगते हैं और हम उन्हें देते चलते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब जब हम साकार में हैं, जब भगवान हमारा साथी है, जब वो हमें सब कुछ देकर हमारी झोलियां भर रहा है, तब तो हम दाता बन ही जाएं। जब हम खाली थे तो भी देते थे, अब तो भरपूर हैं, तो पहले स्वयं को भरपूर करें, सुखों से, शांति से, प्रेम से, स्वमान से, शक्तियों से, खुशी से, पवित्रता से स्वयं को भरपूर करें। ये हमारे खजाने हैं और फिर देते चलें। हमें देना है स्नेह, सहयोग और सम्मान। हमें देते चलना है खुशी, प्रेम, सुख और शांति। जो भी आए खुशी लेकर जाए, भारी होकर आए हल्का होकर जाए, दुखी आए सुखी होकर जाए, विघ्नों में बनकर आए विघ्न मुक्त होकर जाए। हमें देना है, देने का समय तेजी से आता जाता है। जब संसार की आत्माएं बिल्कुल खाली हो रही हैं, मन अशांत हो रहा है, वो प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देख रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए देव कुल की आत्माएं भी खाली होकर उन्हें हमारे पास आ रही हैं। हम अपने भंडारे भरपूर करें ताकि हम सबको देते चलें। जो दाता होते हैं वो देकर कुछ भी लेते नहीं। जो दाता होते हैं उनके मन में कुछ भी लेने की कामना भावना सूक्ष्म रूप से भी नहीं होती। उनका तो काम है केवल देते रहना। जैसे नदियां पानी देती रहती हैं, वृक्ष फल देते रहते हैं, हम भी बाबा के फलदार वृक्ष हैं, बहती ज्ञान की नदियां हैं। हम भी सबको देते चलें, सुख दें। संसार में दुख बढ़ता जा रहा है, हमारे सुखों के वाइब्रेशंस उन्हें दुखों से मुक्त करेंगे। ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जो लाइलाज हैं, हम उन्हें हिम्मत दें, सहारा दें, ये फीलिंग दें कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, भगवान भी उनके साथ है। हम दूसरों को सम्मान भी देते चलें, क्योंकि सम्मान के सभी लोग बहुत प्यासे हैं। हमारे तो स्वमान के भंडार भरपूर हैं, हम सम्मान सारे संसार को दे सकते हैं, प्रकृति को भी दे सकते हैं और संसार की पाप आत्माओं को, जो बिल्कुल दुखदायी आत्माएं हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। देना हमारा काम है, हम प्यार भी देते चलें। प्यार की भी प्यासी हैं बहुत आत्माएं संसार में। प्यार, सच्चा प्यार तो कहीं मिल ही नहीं रहा। नफरत मिल रही है, स्वार्थ मिल रहा है, मिल रही है घृणा और ईर्ष्या। इसलिए प्यार की कमी पड़ती जा रही है और ये प्यार की कमी अनेकों के जीवन को सुखी नहीं रहने दे रही है। बच्चों को जब माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, मान लो माँ बाप आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो बच्चों को कहाँ से प्यार मिलेगा? झूठा प्यार मिलेगा, दिखावे का प्यार मिलेगा। इससे बच्चों के भावी जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम दाता बन जाएं। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, पूर्वज हूँ और मुझे तो सभी आत्माओं के दुख हर कर उन्हें
सुख देना है, ये याद रखना है बाबा का महावाक्य। जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया तुम घर वापिस नहीं जा सकेंगे। तो आइए आज अभ्यास करें, सुखों के सागर बाबा से बुद्धि लगाएं और फील करें, सुखों के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, मैं मास्टर सुख करता मास्टर दुख हरता हूँ, ये वाइब्रेशन सारे संसार में फैल रहे हैं। और संकल्प कर दें सभी आत्माएं सभी धर्मों की आत्माएं सुखी हो जाएं। ओम शांति।